हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया। मैं आज जाने वाला हूँ, आज घर पे हूँ, तो सोचा आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दूँ, क्योंकि आप लोग अभी भी कमेंट करके कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, तब क्या करें हम लोग, है ना। उसके पहले टूटे दिल को जोड़े कैसे ये बताते जाओ, जिंदा रहने की बस हमको एक वजह दे जाओ, मेरे लिए थोड़ी सी तू दिल में जगह रखना, खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना बना ही देंगे। थैंक यू। अब आपको बीच में मैंने ये गाना क्यों गाया, ये आप लोगों को बताने के लिए कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, है ना, कितने भी आप परेशान हो, कुछ भी चल रहा हो, डजेंट मैटर, हमेशा खुश रहना सीखिए, है ना। क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है आप उसको बदल नहीं कर सकते, जो अनकंट्रोलेबल है, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज़ें आप इग्नोर करिए, है ना। बस भगवान से प्रे करिए कि वो चीज़ें सब सही हो जाएं। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब है, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है भाई, जब आपकी जॉब नहीं लगी थी तब भी आपको दिक्कत थी, अब जॉब लग गई है तब भी दिक्कत है, अब जॉब से दिक्कत है, तो परेशानी कहाँ है, परेशानी आपके साथ है, ठीक है। आप ये सोचो कि जब आपके मंथ के लास्ट में सैलरी क्रेडिट होगी ना आपके अकाउंट में, तो आप 2,000 रुपये इवन 5,000 रुपये तक का जीन्स लेने की दम रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वही तो आपके लिए मोटिवेशन है। कौन कह रहा कि आप यहाँ रुकिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना ही आपके लिए ऑप्शन है और बेहतर चॉइस है, लेकिन उसके लिए बस आपको धैर्य नहीं खोना है, अच्छे लोगों से जुड़ना है, किसी भी सफल व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी है, सफल व्यक्ति से जुड़े रहना है और उनसे सीखना है कि आप कैसे सफल हुए थे, कौन सी बुक पढ़ी थी, क्या माइंडसेट था, कैसे आप पढ़ाई करते थे, कैसे आप ट्रैकमैन से आगे बढ़े, कैसे आप ग्रुप डी की जॉब से आगे बढ़े। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आपको मतलब समझ रहे, आगे आके हेल्प नहीं करेगा आपको, दिक्कत हो आप लोगों से हेल्प करिए, अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहिए। तो भाई डीमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं बनता, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तो अपने दुनिया में चारों तरफ देखना, कभी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को देखना जो प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते, मतलब स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के पास, है ना, मतलब स्टेशन पर ही सोते हैं या स्टेशन के बाहर सोते हैं, जहाँ जो उनको खाने मिल गया वो खाते हैं, या इवन महिलाएं भी जो अपने बच्चों को पालने के लिए स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर आपने देखा होगा, मजदूरी करती हैं, ठीक है, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, तो उनसे आप मोटिवेट नहीं हुए, उनसे तो बेहतर है ना आप, तो कुछ दिन की परेशानी है तो कर ली, झेल लीजिए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जॉब छोड़ के आगे बढ़ना, अब ये सोचो बड़ी मुश्किल से तो आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कौन सा तीर मतलब मार दोगे कि आपका अगली बार सही निशाना लगेगा, आपकी जॉब लग जाएगी। तो पढ़िए और मेहनत करिए, अपने आप को थोड़ा सा एनहेंस करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए डेली बेसिस पर, तो डेफिनेटली आपका लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आप अच्छा कर लेंगे, बस आपको मेहनत करनी है। उसके लिए मैं हमेशा आपको कहूँगा कि मेहनत करिए और यहाँ से निकलिए, बट ऐसे अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसका हर जाना आपको ही, इवन आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। खुद सोचो कि जैसे मान के चलो आज आपने जॉब छोड़ दी, 2-4 साल आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपसे कौन लड़की शादी करना चाहेगी, अगर उससे आपने शादी कर भी ली तो उसका खर्चा कैसे उठाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, ये जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, है ना, किसी को हेल्थ इशूज़ हैं, किसी को पैसों की समस्या है, किसी को जॉब की समस्या है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चलेगा। उसके बाद भी अगर आप खुश हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी थिंकिंग है, तो डेफिनेटली आपका फिर लाइफ में अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो बस यही सोचना है, और मेरी तरह जैसे मैं हूँ खुश रहना है, मैं वर्तमान में जीता हूँ, ना मुझे भविष्य की चिंता है, ना मेरा पास्ट कैसा गया, पास्ट में किसी ने मुझे हर्ट किया, पास्ट में मैं फेलियर, मेरे पास मैं कितनी बार फेल हुआ, पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, वो चीज़ें मैं माइंड में नहीं रखता। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, प्रेजेंट में वर्क करना चाहता हूँ, प्रेजेंट में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आप लोगों को इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ देना चाहता हूँ कुछ अच्छा करने के लिए, आप लोगों को भी सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ और आप लोगों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी भर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आप मेरी बातों को मानेंगे। तो प्रेजेंट में रहना सीखिए, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, समस्या में
चिंता ज़्यादा मत करिए, चिंता के स्थान पर चिंतन करिए, क्योंकि चिंता आपको अंदर से खोखला कर देती है और ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रहने की कोशिश करिए और अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में रखिए। आज के वीडियो का यही मैसेज था। अब बीच में मैंने गाना इसलिए गाया कि जो आपके मन में है वो करो, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो अपने हिसाब से बनाऊंगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा, मस्त लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जय महाकाल, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा।